पक्ष में हो, हम हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहां के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुख्तार अंसारी की कब्र पर मिट्टी डालने को लेकर मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम में जमकर बहस हुई। आपको पता ही है कि मुख्तार की कब्र पर मिट्टी डालने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। जिले की डीएम और एसपी पूरे अमले के साथ वहीं मौजूद थे। अफजाल कुछ लोगों को मिट्टी डालने के लिए अपने साथ ले जा रहे थे। इस पर डीएम आरेका अखौरी भड़क गईं। उन्होंने मुख्तार के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी से परिवार के लोगों को ही कब्रिस्तान में ले जाने को कहा। इस पर सांसद अफजाल और डीएम के बीच तीखी बहस हो गई। डीएम ने अफजाल को कानून समझाने की कोशिश की कि इन लोगों के पास मुख्तार की कब्र पर मिट्टी डालने की परमिशन नहीं है। इस पर अफजाल ने कहा कि मिट्टी देने के लिए पूरी दुनिया में कोई परमिशन नहीं लेता है। जवाब में डीएम ने कहा कि धारा 144 तोड़ने वालों पर FIR करा दूंगी। अफजाल ने कहा आपको जो कराना हो कराइए। अब इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। डीएम और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के बीच हुई बहस कुछ यूं है। डीएम ने कहा केवल परिवार के लोगों को ही कब्रिस्तान में लेकर जाए। इस पर अफजाल बोले कि जो लोग मिट्टी में शामिल होना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता है। डीएम इस पर परमिशन का हवाला देने लगी। उन्होंने कहा इसके लिए परमिशन नहीं ली गई है। इस पर सांसद अफजाल ने कहा कि मिट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। डीएम आरेका अखौरी इस पर तमतमा उठती है और कहती है कि पूरा कस्बा मिट्टी डालेगा क्या, परिवार के लोग दें। सांसद अफजाल कहते हैं कि कस्बा नहीं, जहां के लोग भी मिट्टी देना चाहेंगे वो देंगे, इसकी दुनिया में कोई परमिशन नहीं लेता। डीएम कहती है क्यों नहीं लेता, यहां धारा 144 लगी हुई है। इसके जवाब में अफजाल कहते हैं कि धारा 144 के बाद भी आप किसी को मिट्टी देने से नहीं रोक सकती हैं। इस पर डीएम धमकी पर उतर आती है और कहती है कि धारा 144 तोड़ने वालों पर FIR कराऊंगी। जवाब में अफजाल अंसारी कहते हैं कि जो कराना हो करा दीजिए। दोनों के बीच हुई यह बहस करीब 10 मिनट तक है। पूरा वीडियो जरा सुन लीजिए। एक एक वन बाय वन निकाल दिया, चार पांच लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हाँ हम गिनते रहेंगे बैठे। आप मत गिनिए, हम गिनना है। जो घुस गया आप तो करके निकलिए, निकल चुके अधिक संख्या। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि तीन लोग मिट्टी देंगे। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आपने परमिशन थोड़ी, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन देते आप, क्या आपने परमिशन दी? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधि कार्रवाई करेंगे, फिर करेंगे, बताइए कार्रवाई करेंगे हम। आप सब पे आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधि कार्रवाई होगी, जो जाएगा आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रुकिए। हमने तो सुना था कि हिंदू धर्म में भी और किसी भी धर्म में किसी के जनाजे या अर्थी में कंधा देना, अंतिम संस्कार में मदद करना, मौत की तकलीफ में शामिल होना बहुत पुण्य का काम होता है, सवाब का काम होता है। लेकिन भाजपा के राज में FIR कराने और जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, वो भी इलाके के सांसद को। खुद डीएम कह रही हैं कि मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाऊंगी। कुछ भी हो, हम हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहां के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेता। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। सोचिए, क्या यह मुख्तार अंसारी या अफजाल अंसारी से नफरत की भाषा है या फिर इंसानियत से नफरत की भाषा है? दूसरी बात, धारा 144
तो कानूनी तौर पर भी धारा 144 में भी अंतिम संस्कार जैसे क्रियाक्रम को छूट होती है। तीसरी बात, धारा 144 की वजह क्या है? खुद सरकार कह रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत प्राकृतिक वजहों से हुई है, इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई धीमा जहर नहीं दिया गया है जैसा कि परिवार का आरोप है, कोई एनकाउंटर भी नहीं है, किसी तरह की कोई साजिश नहीं रची गई है। तो सवाल है कि धारा 144 लागू ही क्यों है, क्या वजह हो सकती है? चौथी बात, आदर्श आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है। इससे पहले आपने कभी सुना है कि अंतिम संस्कार और धार्मिक परंपराओं के निर्वाह में आदर्श आचार संहिता की बात उठाई गई हो? क्या यह खुन्नस है, और अगर है तो किसकी है? और यह खुन्नस है तो फिर यह एक डीएम की खुन्नस तो हो नहीं सकती, फिर किसकी हो सकती है? जरा सोच कर देखिए, मुख्तार अंसारी की मिट्टी में जो हुआ है उसमें सब कुछ सामान्य लगता है आपको? कुछ भी हो, हम हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा, इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ट्विटर पर @article19_india पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। कुछ भी हो, हम हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा, इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते।